दीप हैरान परेशान सा दौड़ता हुआ पुलिस स्टेशन में पहुंचा। उसकी सांस फूली हुई थी और वो बुरी तरह से हांफ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि एक लंबी दौड़ करके आ रहा था। पुलिस स्टेशन में उस वक्त केवल एक हेड कांस्टेबल और कुछ कांस्टेबल ही मौजूद थे। सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर दोनों ही किसी मर्डर केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए चौकी से बाहर गए थे। दीप ने अंदर पहुंचकर इधर उधर देखा तो बस वहां कुछ ही लोग दिखाई दिए। अरे अरे, ऐसे कहां घुसे चले आ रहे हो? ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारी खाला का घर नहीं जो ऐसे ही धड़धड़ाते हुए कहीं भी घुसे चले जाओगे, एक कांस्टेबल ने कहा। दीप की आंखें विस्मय से चौड़ी हो गईं। उसने अपनी सांसों की गति को कम करने की कोशिश में धीरे धीरे लंबी सांसें लेना शुरू की। कांस्टेबल ने गुस्से में उसे घूरा और दोबारा सवाल करने के लिए मुंह खोला ही था कि दीप ने हाथ के इशारे से उसे रुकने के लिए कहा। दीप अपने हाथ घुटनों पर रखकर झुक गया और अपने आप को संयत करने की कोशिश करने लगा। कांस्टेबल अभी भी उसे घूर ही रहा था कि तभी दूसरा कांस्टेबल बाहर से चाय लेकर अंदर आया। दूसरा कांस्टेबल अपनी ही मस्ती में गुनगुनाता हुआ चला आ रहा था। उसकी नजर एकदम से दीप पर पड़ी और वो ठिठक कर वहीं शांति से खड़ा हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे उसे सांप ही सूंघ गया था। वो जल्दबाजी में उसी कांस्टेबल के पास पहुंचा जो अभी भी दीप के सामने खड़ा उसे घूर रहा था और उसे खींचता हुआ एक तरफ कोने में ले गया और पूछने लगा, क्या हो रहा था यहां? तुम्हें पता भी है ये आदमी कौन है? पहले कांस्टेबल के चेहरे पर नासमझी के भाव थे। उसने कंफ्यूज होते हुए पूछा, क्या मतलब है कौन है? तुम जानते हो उसे? कौन है वो? बाहर से आने वाले कांस्टेबल ने कहा, तुम नहीं जानते, ये दीप है, दीपराज, होटल इंडस्ट्री किंग दीपराज। कुछ याद आया? गोबर के घासीराम? इसको नाराज करने पर कितना बड़ा नुकसान हो सकता है, सोचा भी है? मंत्री से लेकर कमिश्नर तक के साथ उठना बैठना है इसका, खुद के गले में घंटी बांध ली तूने। पहला कांस्टेबल हैरानी से दूसरे कांस्टेबल की तरफ देख रहा था जैसे अभी भी कुछ समझ में नहीं आया हो। वो बोला, ठीक है, मान लिया ये वही दीप है, तो ये खुद यहां क्यों आया है? कमिश्नर को अपने घर पर ही बुला लेता? उसकी आवाज में हल्की सी झुंझलाहट का पुट था। बाहर से आने वाले कांस्टेबल ने अपने सिर पर हाथ मारकर कहा, तुझे पुलिस में किसने भर्ती किया है रे? वो तो पूछेगा तभी पता चलेगा ना, अब चल। और हाँ, ज्यादा चूचपड़ मत करना, कहीं कमिश्नर साहब को पता चल गया कि दीप के साथ तूने कैसा व्यवहार किया है तो तुझे लाइन हाजिर करवा देंगे, अब चल। दीप दूर खड़ा उनके एक्सप्रेशंस ध्यान से देख रहा था। उसके चेहरे पर हल्की सी खीज थी और बॉडी लैंग्वेज से थोड़ा सा बेचैन सा लग रहा था। कोई बात थी जो उसे परेशान कर रही थी। दोनों कांस्टेबल जल्दी से दीप के पास आए और अपने आप को बहुत ही ज्यादा विनम्र बनाते हुए उन्होंने अपनी बोली में चाशनी घोलते हुए कहा, सो सॉरी सर, मैं आपको पहचान नहीं पाया था, उसके लिए मैं शर्मिंदा हूं, आप आइए और बैठिए। एक कुर्सी की तरफ इशारा किया। दीप आगे बढ़कर उस कुर्सी पर बैठ गया। तब बाहर से आने वाले कांस्टेबल ने कहा, सर क्या लेंगे आप, चाय, कॉफी या कुछ ठंडा? कुछ भी नहीं, आप लोग बस मेरी कंप्लेंट लिख लो और जल्द से जल्द मेरी परेशानी दूर कर दो, दीप ने खींचते हुए कहा। दोनों कांस्टेबल सकते में आ गए। आपको क्या परेशानी हो सकती है, जल्दबाजी में पहले कांस्टेबल ने कहा। क्यों, मैं इंसान नहीं हूं क्या? यह परेशानी इंसान देखकर आती है, इस बार दीप की आवाज में व्यंग था। आप लोग बस मेरी कंप्लेंट लिख लो, मुझ पर मेहरबानी होगी, दीप ने गुस्से से तंज कसते हुए कहा। सॉरी सर, बताइए क्या प्रॉब्लम है? विजय, एफआईआर रजिस्टर लेकर आओ, साहब की कंप्लेंट लिखनी है, बाहर से आने वाले कांस्टेबल ने दूसरे कांस्टेबल से कहा। विजय ने एफआईआर रजिस्टर लाकर दिया और खुद एक तरफ खड़ा हो गया। बताइए क्या तकलीफ है,
कांस्टेबल ने रजिस्टर खोलते हुए पूछा। मेरी वाइफ अपने प्रेमी के साथ घर से कीमती सामान लेकर भाग गई। दीप के बोलते ही दोनों कांस्टेबल चौंक गए। क्या, क्यों चीख रहे हो अशोक? ऐसा क्या आसमान फट गया? इंस्पेक्टर मृदुल ने अंदर आते हुए पूछा। सब इंस्पेक्टर चिराग भी पीछे पीछे ही आ रहा था। दोनों ने अंदर आते हुए कुर्सी पर बैठे हुए आदमी को नहीं देखा था। इंसाफ को क्या तकलीफ है? चिराग ने अंदर आते हुए पूछा। चिराग के पूछते ही दीप ने पलट कर देखा। दीप के पलटते ही चिराग और मृदुल दोनों ही दीप को पहचान गए और इस वक्त दीप को पुलिस स्टेशन में देखकर उनके मुंह खुले के खुले रह गए। मृदुल ने जल्दी से अपनी कुर्सी पर बैठते हुए कहा, दीप साहब, कोई खास वजह आपके यहाँ आने की? होप के सब ठीक हो। तब तक चिराग भी एक कुर्सी को खींचकर वहीं आकर बैठ गया था। उसे भी जिज्ञासा थी उस कारण को जानने की जिसकी वजह से दीप द होटल किंग इतनी सुबह सुबह पुलिस स्टेशन में आया था। मेरी वाइफ अपने प्रेमी के साथ भाग गई, दीप ने बिना किसी भाव के कहा। क्या? चिराग के मुंह से जोरदार आवाज आई। मृदुल ने चिराग को घूर कर देखा, जैसे इस बदतमीजी के लिए उसे सजा मिलनी चाहिए। सॉरी, आई डिडंट मीन दैट, चिराग ने जल्दबाजी में दीप से कहा। इट्स ओके, दीप की तरफ से एक संक्षिप्त जवाब आया। सॉरी दीप साहब, आप बताइए कब, क्या और कैसे हुआ? इंस्पेक्टर मृदुल ने एफआईआर रजिस्टर में एंट्री करते हुए कहा। दीप ने लंबी सांस ली और कुछ रुक कर बोलना शुरू किया। मैं आज सुबह जब सोकर उठा तब मेरी वाइफ घर पर नहीं थी। नौकरों का वीकली ऑफ था तो वो भी तब तक काम पर नहीं आए थे। मैंने उसे पूरे घर में ढूंढ लिया पर वो कहीं नहीं मिली। उसका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है और घर से पैसे ज्वेलरी भी गायब है, यहाँ तक कि उसके कपड़े तक गायब हैं। अब बताइए, कोई और क्या समझेगा? यही ना कि वो किसी के साथ ही भागी है। उसके मायके में भी कॉल किया, वहां पर भी नहीं गई है वो। इंस्पेक्टर मृदुल ने कागजी कार्रवाई करके दीप को आश्वासन दिया। दीप साहब, हम जल्द ही आपकी वाइफ को ढूंढ निकालेंगे, आप चिंता ना करें। मुझे उनकी कोई फोटो हो तो दे दीजिए। फोटो तो अभी लाया नहीं, आप किसी को भेज दीजिएगा, मैं घर से प्रोवाइड करवा दूंगा। अब मैं चलता हूं, आप प्लीज उसे जल्द से जल्द ढूंढ निकालिए। दीप की आवाज में क्रोध और घृणा की हल्की सी झलक दिखी, जो भी जल्दी ही दूर हो गई थी, पर उसके एक्सप्रेशंस मृदुल की नजर में आ गए थे। श्योर, कहकर मृदुल ने दीप से हाथ मिलाया और दीप बाहर निकल गया। सर, मुझे कुछ गड़बड़ लगता है ये आदमी, चिराग ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा। मृदुल दीप के एक्सप्रेशंस देखकर कहीं खोया हुआ सा था। चिराग के बोलते ही हड़बड़ा गया और बोला, चिराग, कमिश्नर साहब को इन्फॉर्म करना होगा, पहले हाई प्रोफाइल केस है, कुछ गड़बड़ हुई तो लेने के देने पड़ सकते हैं, और वैसे भी दीप के बारे में लोगों की राय अच्छी नहीं है। इस पूरे मामले में कुछ बहुत बड़ा झोल है। ऐसा बोलकर मृदुल ने कमिश्नर के ऑफिस में कॉल किया। दूसरी तरफ से कमिश्नर साहब के पीए ने फोन उठाया। मृदुल ने कहा, सर अर्जेंसी है, आप कमिश्नर सर से बात करवा देंगे? पीए ने कहा, सॉरी इस टाइम पॉसिबल नहीं है, सर किसी अर्जेंट मीटिंग में है। मृदुल ने कहा, एक बहुत ही ज्यादा हाई प्रोफाइल केस आया है, इट्स अर्जेंट, प्लीज आप मेरी बात करवा दीजिए। ये बोलते वक्त मृदुल के चेहरे पर टेंशन थी, उसे कुछ गलत होने का अंदेशा हो रहा था। ठीक है, रुको मैं पूछता हूं। मृदुल ने कुछ देर वेट किया, तब तक पीए ने कमिश्नर से बात कर ली और कहा, ठीक है मैं लाइन ट्रांसफर करता हूं, तुम सर से बात कर लो। लाइन ट्रांसफर हुई और कॉल कनेक्ट होने की आवाज आई। जयहिंद सर। सर, होटल किंग दीप की वाइफ अपने प्रेमी के साथ भाग गई है। दीप अभी अभी एफआईआर लिखवाने आया था, वह उसकी वाइफ को जल्द से जल्द ढूंढने के लिए बोल रहा था, सामने से कुछ कमिश्नर साहब ने कहा और फोन कट हो गया।
मृदुल फोन को हाथ में रखकर कुछ सोचने लगा। चिराग ने उससे पूछा, सर क्या बात हुई, क्या कहा कमिश्नर साहब ने? कुछ ऑर्डर, हमें 2 घंटे बाद ऑफिस में बुलाया है, उससे पहले जो भी इस केस के बारे में बेसिक नॉलेज है वह पता करनी है, उसी के बाद हम लोग कमिश्नर साहब से मिलने के लिए जा पाएंगे। अभी 11 बज रहे हैं, हम यहाँ से 1 घंटे में निकलेंगे, उसके बाद कमिश्नर साहब से बात करके फिर दीप के घर जाकर देखते हैं कि पूरा मामला क्या है। चिराग ने कहा, ठीक है सर, तब तक मैं अपने पुराने केसेस की लिस्ट बनाकर उनकी प्रोग्रेस रिपोर्ट बना लेता हूँ और अपने नेटवर्क को बोलकर दीप की वाइफ के बारे में सबको अलर्ट कर देता हूँ। जैसे ही हमें फोटो मिलेगा तो हम अपने नेटवर्क को भेज देंगे। ओके सर, आई एम लीविंग नाउ। ऐसा कहकर चिराग मृदुल को सैल्यूट करके वहां से निकल गया। मृदुल वहीं बैठा बैठा दीप की वाइफ के केस के बारे में सोचने लगा। मृदुल के हिसाब से जो भी दिख रहा था वह उतना आसान नहीं था। यह शायद सिंपल 2 लोगों के पैसे और ज्वेलरी लेकर भागने का केस नहीं हो सकता था। इस पूरे मैटर में कुछ तो संदिग्ध था, पर क्या? वही पता करना था। लगभग 1.5 घंटे बाद इंस्पेक्टर मृदुल और सब इंस्पेक्टर चिराग दोनों कमिश्नर ऑफिस के लिए निकल गए। 25 मिनट के बाद दोनों कमिश्नर ऑफिस में थे। दोनों ने अंदर आने के लिए कमिश्नर साहब से परमिशन मांगी और कमिश्नर साहब ने उन्हें अंदर आने का इशारा किया। कमिश्नर साहब के केबिन में SP सिटी भी मौजूद थे और दोनों के बीच में दीप की ही बातें चल रही थी। जय हिंद सर, मृदुल और चिराग ने अंदर आते हुए सैल्यूट करते हुए कहा। कमिश्नर का केबिन बहुत ही बड़ा और खुला खुला सा था। केबिन के सेंटर में एक बड़ी सी टेबल लगी हुई थी जिसके सामने की तरफ कमिश्नर की बड़ी सी कुर्सी रखी थी। टेबल के दूसरी तरफ 4 कुर्सियां रखी थी जिनमें एक पर SP सिटी अशोक कुमार बैठे हुए थे। कमिश्नर सर के पीछे की दीवार पर गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस और लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की तस्वीरें लगी हुई थी। एक तरफ बहुत सी रैक्स में बहुत सी केस फाइल्स रखी थी। जय हिंद, आओ बैठो। मृदुल बताओ क्या केस है दीप की बीवी का, कोई जरूरी बात पता चली? कमिश्नर ने पूछा। नो सर, फिलहाल तो कुछ पता नहीं चल पाया है। बिना आपसे बात किए किसी भी तरह की इन्वेस्टिगेशन भी स्टार्ट नहीं की है, केवल मुखबिरों को अलर्ट कर दिया है। फोटो मिलते ही सभी को दे दी जाएगी ताकि जल्द से जल्द उन्हें ढूंढा जा सके। मृदुल ने कुर्सी पर बैठते हुए जवाब दिया। तो क्या सोचा है, कैसे हैंडल करोगे इस केस को, क्या स्ट्रेटजी रहेगी? क्योंकि हाई प्रोफाइल केस है तो प्रेशर भी बहुत ज्यादा रहेगा तुम पर, और ये सब कुछ तुम्हें मीडिया को पता लगे बिना करना होगा। गलती से भी मीडिया को इस बात की भनक लग गई तो हमारी जान आफत में आ जाएगी, SP साहब ने परेशान होते हुए कहा। बिल्कुल ठीक कहा अशोक ने, हमें ये बात मीडिया से छुपानी होगी, और दीप भी अगर चाहे तो इस मामले में मीडिया को इन्वॉल्व करे या ना करे, हमारे डिपार्टमेंट से कोई भी प्रेस को कुछ नहीं बताएगा। क्लियर मृदुल? और हाँ, अपने स्टाफ को भी स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दे देना कि किसी भी छोटी सी गलती उनकी नौकरी खा जाएगी, कमिश्नर ने चिराग को देखते हुए कहा। तो चिराग एकदम से हड़बड़ा गया। मैं अपने स्टाफ की गारंटी लेता हूँ, मेरे या मेरे स्टाफ से ये बात बाहर नहीं जाएगी, मृदुल ने चिराग की साइड लेते हुए कमिश्नर को आश्वासन दिया। मृदुल की नजरें चिराग पर ही थीं और चिराग की आंखों में कृतज्ञता थी मृदुल के लिए। ओके सर, अब मुझे चलना चाहिए, मैं यहाँ से सीधे दीप के घर जाऊँगा और जो भी कुछ अपडेट होगी टाइम टू टाइम आपको बताता रहूँगा, मृदुल ने कुर्सी छोड़ते हुए कहा। ठीक है, बताते रहना, कमिश्नर ने कहा। जय हिंद सर। मृदुल और चिराग SP और कमिश्नर को सल्यूट करके दीप के घर जाने के लिए निकल गए। पुलिस जीप में इस वक्त बिल्कुल सन्नाटा था। चिराग या मृदुल दोनों में से किसी की भी आवाज नहीं आ रही थी। लगभग 1/2 घंटे के बाद चिराग ने एक पॉश एरिया की तरफ गाड़ी मोड़ दी। इस एरिया में अधिकतर मंत्रियों, बड़े प्रशासनिक अधिकारियों और बड़े व्यापारियों के बंगले थे। इस इलाके में नॉर्मल लोगों की एंट्री बैन थी, कोई भी आम आदमी इस इलाके के आसपास भी नहीं भटक सकता था।
अंदर जाने के हर रास्ते पर एक पर्सनल गार्ड्स की चौकी बनी हुई थी। इसी चौकी से होते हुए ही किसी को अंदर जाना होता था और इस चौकी पर एंट्री करवाए बिना कोई भी अंदर नहीं जा सकता था। इंस्पेक्टर मृदुल को भी उस चौकी पर एंट्री करवानी पड़ी और बताना पड़ा कि उसे किसके बंगले में जाना था। पेपरा जीज को भी बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के अंदर एंट्री नहीं थी। चिराग ने एंट्री करवाते ही उस कॉलोनी के अंदर गाड़ी मोड़ दी। अंदर एंट्री करने के बाद राइट हैंड की तरफ सबसे पहला बंगला, जो उस एरिया का सबसे बड़ा और आलीशान बंगला था, उसके सामने गाड़ी रोक दी। उस बंगले के मेन गेट पर भी किसी कॉलोनी के मेन गेट की तरह यहाँ भी एक पर्सनल गार्ड की चौकी बनी हुई थी। उन्हें स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन था कि कोई भी अंदर नहीं जा सकता और अगर कोई इमरजेंसी हो तो गार्ड अंदर से कॉल करके परमिशन लेगा, उसी के बाद आगंतुक अंदर जा सकते थे या फिर कुछ स्पेशल गेस्ट के लिए पहले से ही चौकीदार को इंस्ट्रक्शन मिल जाता था तो उनकी गाड़ी को नहीं रोका जाता था। आगे क्या हुआ जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला भाग।